सो फाइनली गाइस, आज इंतजार खत्म होती है। आज हम लोग आप लोगों के साथ हमारा छोटू बेबी, हमारे जूनियर, हमारे जान का टुकड़ा का नाम शेयर करने वाले। लेकिन ऐसे ही हम लोग नहीं बोलने वाले है। अच्छा अच्छा, रोना आ रही है। नहीं पापा नहीं, तो ऐसे ही हम लोग आप लोगों को नहीं बोलने वाले इतने इजी तरीके से। हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिमाग में लाए हैं, तो उसको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो भी करना होगा। सुंदर तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे इसका नाम प्रेजेंट करने का आप लोगों के सामने, हमारा जूनियर का, हमारे लकी चैम का। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आएंगे। हमारे जूनियर का नाम कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करना। ओके बोलो ओके। तो चलिए थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। बेबी को ना मैंने सुला दिया है, क्योंकि इसका नेम का जो भी कुछ लेटर है अरेंज करने में मुझे थोड़ा सा मेहनत लगेंगे, और ये जगह रहेगा तो नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको सुला दिया है। अभी मैं देखिए सब कुछ ले लिया है इधर पे, अभी मैं स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, पीछे तो सो रहा है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बात करूँगी। जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इधर पे ना हम लोगों को अल्फाबेट्स नहीं मिल रहे थे, उसका जो नेम का अल्फाबेट से ऐसे अलग अलग से नहीं मिल रहे थे। तो बहुत दिमाग लगा के हमारे आसपास की बगल की जो शॉप है, क्योंकि इतना छोटा बेबी को लेके ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों को ऐसे एनिवर्सरी वाला लिखा हुआ जैसे मिलती है ना, ऐसा मिल गया। लेकिन एक गलती हो गई, पहले ना ये वाला अल्फाबेट देख के, एनिवर्सरी का ए देख के मुझे लगा सब ऐसे बड़े बड़े अल्फाबेट में ही होंगे कैपिटल लेटर में, बट ये फर्स्ट जो एनिवर्सरी का अल्फाबेट है ये कैपिटल लेटर है और बाकी ये सारा ही स्मॉल लेटर में है। तब मुझे काट काट के, मतलब पीसेस करके फिर मुझे ज्वाइन करना होगा, बहुत मेहनत वाला काम है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। तो इधर पे देखिए सब छोटा, मतलब स्मॉल लेटर में है, तो इसको अभी मैं सही करूँगी, देन इसको आगे मैं देखती हूँ क्या किया जाए। तो चलिए मैं इसको काटती हूँ। इस तरीके से ना हम लोग अभी लेटर्स को, मतलब जो जो हमें लेटर्स चाहिए सबको इधर पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी के अंदर जो जो अल्फाबेट होती है उसी में से हमारा बेटा का नाम आ जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे अखुन देखियो ना, अखुन ही तो तुम्हें देखिए दीचो। तो चलिए हम लोग कर लेते ना बैकग्राउंड के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि देखिए ये ब्लैक बैकग्राउंड है ना, तो इस पे देखिए ये मतलब अच्छा लग रही है, लेकिन व्हाइट वॉल पे तो घर पे बहुत जगह है, लेकिन व्हाइट वॉल पे उतना ज्यादा मतलब ब्राइटनेस, मतलब फोकस नहीं करेंगे ये नेम। तो इसलिए हम लोग सोच रहे ना इधर पे कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। तो हम लोगों ने सारा लेटर चुन चुन के इतना देर से, आधा घंटे से काट लिए। अभी डबल मार्कर जो टेप है उससे हम लोग इधर पे चिपकाएंगे, फिर बलून से डेकोरेट करेंगे और फिर हम लोग रेडी होके आ जाएंगे आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला जो लेटर है एगबनिया छोटा, पहला ईटा नहीं है पोतुमटा, फर्स्ट जो लेटर है ना वो है ये। तो आप लोग बाकी का नाम गेस कर सकते हैं, अभी तो और दिखाएंगे नहीं, जब हो जाएगा तभी आप लोगों को दिखने को मिलेंगे।
বিচ মে করতে এখানটাতে নাকি উপরেই ঠিক লাগছে না তো এমনি নাকি মিডলই করে দিই না না আরেকটা নাম থাকবে তো না তো দু নাম হে এক অফিশিয়াল নেম আর এক নিক নেম তো দোনোই আজ রিভিল হোনে ওয়ালি হ্যায় চলিয়ে হাম লোগ কর লেতে হ্যায় চিপকা লো ঠিক আছে হ্যাঁ ফুটছে না হ্যাঁ ঠিক লাগছে এই নাম লেখাই থাকবে দেখি বেটা আমি সরে একটা বেলুন পুলে বেশি বড় করবে না একটা বেলুনও ফুলাতে পারছে না হায় ভগবান ওম দাও বাচ্চা মেরা হাজবেন্ড এক বেলুন ভি নেই ফুলা পারে কি ফুলা রহি হ্যায় ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे आ थोड़ा बड़ा ठीक है ना लगाओ मुझे ना ऐसे बनाना नहीं आता क्या बोलते हैं इसको नट बांधना नहीं आता गांठ देखिए फूल फूल आएंगे अभी ये राम ना मैं सिखिए दीची तक এটা কিন্তু লাংসের তোমার পরীক্ষা হচ্ছে তোমার লাংস ফেফড়া কতটা কমজোর এটাই আমার দেখা তুমি রিটার্ন হাওয়াটা নিয়ে নিচ্ছ হাওয়াটা রিটার্ন তোমার মুখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে আবার দিকে तो गाइस बलून फुलाना तो हो चुके हैं और अभी करीबन 1:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट यार बज के है पता नहीं तो अभी बलून्स को नेम के ऊपर ये सेट करेंगे और फिर इसको मतलब पॉप करेंगे बलून्स को एंड नेम आ जाएंगे हमारा बेबी का तो चलिए झटाझट ये सब हम रेडी कर लेते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ठीक है चलिए तो फाइनली गाइस इतना मेहनत करने के बाद इतने देर से फाइनली ये हम लोगों ने रेडी कर लिया है ये जो बलून से इसको हम लोग पॉप करने वाले हैं इसके अंदर से हमारा बेबी का हमारा स्टार का हमारे लिटिल स्टार का नाम निकलने वाला है ना तो चलिए हम लोग रेडी हो जाते हैं बेबी को भी एक थोड़ा बहुत दूसरा कपड़ा पहना लेते हैं और आके फिर इधर पे आज होने वाले हमारा बेबी का नाम रिवील और मेरा पति पता नहीं ये कपड़ा ही पहन के रहेंगे या दूसरा पहनेंगे इसका एनर्जी खत्म हो गया फिर चलिए मिलते करते हैं हाँ कैमरा सेट कर दीजिए मिनट मेरा आप ढूंढे जाए आप ये दिखते जाए सो टेंडर है तो हम लोग आ चुके हैं हमारे बेबी को लेके तो ये रही हमारा बेबी और ये अभी सोने का मूड में दूसरे दिन रात में जगे रहते हैं अभी उसका जगने का टाइम है पता नहीं क्यों अभी उसको इतना नींद आ रही है मेरा वीडियो बिगाड़ने के लिए मैं वीडियो बच्चा है भगवान का सो जाए डिस्टर्ब नहीं करेगी सो फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं हमारे बेबी का फेस एक फेस रिवील हमारा भी बच्चे नेम रिवील करने वाले हैं सो आर यू एक्साइटेड गाइस काफी लोग पूछ रहे थे काफी दिन हो चुका है और ये रही हमारा बेबी डू 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 पता नहीं कैमरा क्वालिटी कैसे आ रही है तो जो भी हो इधर पे नीचे उसका निकनेम ठीक है जो हम घर पे उसको बुलाने वाले हैं और ऊपर है उसका ऑफिशियल नेम तो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल जो नेम है वो हम आप लोगों के साथ रिवील करने वाले हैं सो जैसे नेम रिवील के टाइम पे काउंट रिवर्स पे काउंट किए थे तो वैसे ही करेंगे ठीक है तो बेटा सॉरी देखिए पिन मेरे हाथ में है ये नीचे रखो पिन तो नीचे रखो ना बटन के तो स्टार्ट 5 4 3 2 1 तो चलिए फास्ट जो आप लोग उसको ओके थोड़े थक मैं एक नहीं था को तुम तो कैमरा से के बाहर चले जाओ चलो ऐसे ही देखो अभी एंटर करो तुम एक टर्न पॉप करो मुझे ही डर लग रही है तो फर्स्ट में आ गई है इधर पे आप लोग देख सकते
वाई ना थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा झलक। नेक्स्ट डे तो मेरा बेबी का नेम है रियाज, ठीक है। उसका ऑफिशियल नेम हम लोग बोल दिया है आप लोगों के साथ, उसका नेम है रियाज। तो ये नाम आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना। हमारा बेबी का नाम क्या है? रियाज, ठीक है। रियाज बेटा, मेरा रियाज बेटा। और नेक्स्ट है इसका निकनेम, ओके। सो चलिए निकनेम हम लोग पॉप करते हैं। तो इधर पे आई वी दिखाई दे रही है, आई वी गुस्सा में नहीं उसका नींद चौपट हो रही है ना इसलिए। तो इधर पे नाम आप लोग देख सकते हो, लाज वाला डॉलर देखो वन। इसमें कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है गाइस, डॉलर सामने फाटा बेटा फटी जा रहा है डिंग 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 डिंग। इवान है उसका निकनेम, हम दोनों ने मतलब चूज किया है इवान। तो इवान नाम से हम लोग इसको घर पे बुलाएंगे। वैसे तो बहुत कोई प्यार से बहुत कुछ बुलाते हैं, जैसे कि मेरी नाना नानी रुद्रनील रखा है, उसके बाद बाबू सोना बोलता है इसको, और देन उसके बाद इनके घर में चिराग भी बोलते है, तो बहुत नाम है। तो फिलहाल अभी देखिए इधर पे हम लोग नाम रिवील कर दिया है, नाम है रियांश काम। तो इधर मेरा नेम है रियांश एंड इवान, इट्स माय बेबी बॉय नेम। आप लोग इधर पे मैं ये ना ऐसे ही रखने वाली हूँ, मेरा बेटा का नाम इधर पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। लाइक टावर को দেখো তো একটু ক্যামেরা কোয়ালিটিটা, আমরা তো এত ভিডিও করলাম, ক্যামেরা কোয়ালিটি আসছে ঠিকঠাক দেখো? হ্যাঁ আসছে, হ্যাঁ পুনর আসছে। দেখো নামটা তো তুমি মনে করো, বাহ রিয়াঞ্জ আমার রিয়াঞ্জ, পুরো ভালো কেম নাম এই একটু স্যার বাবু মাথা সারা। হ্যাঁ ইভান পুরো ভালো নাম আছে, পুরো 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 ক্লিয়ার। আচ্ছা তোমরা তোমার বেটা তোমাকে তোমাকে ডাকছে পুরো, একটু আসমি সর একটু, আমি সরে যাই নাও, বাস না বেশি না একটু এদিকে আসো, বাস বাস ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, একদম পারফেক্ট। বাহ পুরো নাম দেখা যাচ্ছে, ধরো चलिए।